Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12 students and we are doing the chapter on admission of a partner. The question is Lena and Rohit are partners in a firm sharing profits in the ratio for 3 to 2. क्वेश्चन uh, आगे दे रखा है पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है आप अच्छी तरह पढ़ो बैलेंस शीट में कैपिटल्स दे रखा है लीना और रोहित का जनरल रिजर्व पचास हजार दे रखा है जनरल के बारे में कुछ उत्पादंगा ट्रीटमेंट है उसमें तो उसको भी देख लेंगे देन बैलेंस शीट के नीचे दे रखा है फार्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स मनोज ब्रॉड प्रपोर्सनेट कैपिटल आपको बताया था प्रपोर्सनेट कैपिटल और सफिशियंट कैपिटल और इसलिटल न्यू फार्म और कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एक ही इंग्लिश होता है एंड ब्रॉड ही गुडविल ऑफ अ रूपीज एटी थाउजेंड इन कैश अस्सी हजार रूपए गुडविल का अपना शेयर लेकर आया देन पार्ट टेन परसेंट ऑफ द जनरल रिजर्व आज टू बी ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये जो जनरल रिजर्व है आपके पचास हजार उसका दस परसेंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ट्रांसफर होगा तो दस परसेंट पांच हजार उसका पचास हजार का दस परसेंट पांच हजार जाने के बाद बाकी फोर्टी फाइव थाउजेंड कैपिटल अकाउंट्स के पार्टनर के क्रेडिट में बंटेगा जैसे आज यूजुअल होता है देन थर्ड पार्ट क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन अमाउंटेड टू 40,000। हजार यहाँ पे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है नहीं तो रिवेल्युएशन के डेबिट में लिखेंगे टू वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 40,000 और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाएंगे स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाई तो स्टॉक को घटाएंगे यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड यूज कर रखा है ये एकदम बिल्कुल इंसान को पागल कर देगा डिक्रीज इन स्टॉक ओवर वैल्यूड कोई रिवोल्यूशन के बाय में डाल देगा नहीं रिवल्यूशन के टू में स्टॉक का वैल्यू रिड्यूस करना है और फिफ्थ में रखा है लीना रोहित एंड मनोज विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू थ्री इंजू टू यहाँ पे सेपरेट न्यू रेशियो दे रखा है तो आपको डेफिनेटली सैक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा गुडुल ट्रीटमेंट के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट्स वर्किंग नोट्स में आप लिखो नोट वन में ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो पहले देखो लिखो

टू बाई फाइव ओल्ड माइनस थ्री बाई टेन इज इक्वल टू वन बाई लीना का सेक्रीफाइस ये हो गया रोहित का सेक्रीफाइस वन इज टू वन देर फोर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ लीनाज वन इसके नीचे नोट टू

एट बाई टेन के लिए इतना कैपिटल है तो फार्म का कितना कैपिटल होगा ना दिस इंटू रिवर्स ऑफ कर टेन। टेन कर दो करोगे मल्टीप्लाई तो टोटल तो तो मनोज का कैपिटल होगा फोर लाख सिक्सटी वन थाउजेंड टू फिफ्टी माइनस थ्री लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड तो इससे इसको माइनस करने में आपके मनोज का कैपिटल आएगा नहीं तो इसका अगर टू बाई टेन निकालोगे तो वो भी कैपिटल ये जो टू बाई टेन कैपिटल ऑफ मनोज शेयर ऑफ मनोज वो मल्टीप्लाई करोगे तो टू बाई टेन में ये भी आएगा उसका कैपिटल मनोज manuj का मोनोज कैपिटल इज इक्वल टू टू बाई टेन टू बाई टेन करो नहीं तो ये दोनों का डिफरेंस जैसे मैंने यहां पे दिखाया है आपको इन बोथ दिस इज इक्वल टू टू बाई टेन ऑफ तीनों का कैपिटल दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर मनोज अभी आपको फेयर नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ तो फेयर नोट में आपके क्वेश्चन ने बोला है प्रिफेयर रिवोल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट शीट तो आपके जो रिवल्यूशन अकाउंट बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट फेयर नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट देन सबसे पहले वर्कमेन कंपेन्सन लाइबिलिटी वर्कमेन कम्पेंसेशन फंड है नहीं तो वर्कमैन कॉम्पेन्सन लाइबिलिटी इज लाइक दिस इन्होंने बोला है थर्ड एडजस्टमेंट में क्लेम अकाउंट ऑफ वर्कमैन अमाउंटेड टू टू वर्कमेन कॉम्पेन्सन क्लेम या लाइबिलिटी फोर्टी थाउजेंड ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी दिस इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 16000। इसका मतलब होता है बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिख रहा है वो 16000 में ओवर वैल्यूड हो रखा है उसको रिड्यूस करके न्यू बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे वन लाख थर्टी थाउजेंड और वन लाख फोर्टी सिक्स से 16000 हटा देंगे और डिक्रीज इन एसेट इधर डिक्रीज इन स्टॉक नेक्स्ट वन इज टोटल फिफ्टी सिक्स कुछ है नहीं इसको टोटल करो क्रेडिट साइड में लिखो और इसमें जीरो माइनस करो कुछ है नहीं तो टोटल लॉस फिफ्टी सिक्स थाउजेंड इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो बाय कैपिटल अकाउंट रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो ऑफ लीना इज टू तो रोहित थ्री इज टू तो टू क्योंकि पुराने पार्टनर है लीना और रोहित तो फिफ्टी सिक्स थाउजेंड का थ्री बाई फाइव लीना का होगा और टू बाई फाइव रोहित का होगा ये हो गया और कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होगा टू रिवॉल्यूशन अकाउंट

देन प्रीमियम पर लाया इक्वल रेशियो मैंने निकाल के दिखाया था आपके ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके और अस्सी हजार ला रहे गुडविल हम पढ़ सकते हैं एडजस्टमेंट वन मनोज ब्रॉड प्रोपोर्शनल कैपिटल ही हिज शेयर ऑफ एंड तो कैश टू प्रीमियम पर गुडविल एंड प्रीमियम गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू है पचास हजार पचास हजार का जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है दस हजार आपके ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन के लिए उसका रिवन का अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा मैं बैलेंस शीट में बढ़िया बना दूंगा तो अगर 10 परसेंट चला गया पचास हजार का बचा ओल्ड फाइव यू सी दिस इज द ओल्ड योर रिवाल्यूशन लॉस जो कि कैपिटल के डेबिट में आएगा टू रिवॉल्यूशन अकाउंट देन थिंग्स आर ओवर आप टोटल करो क्रेडिट साइड डेबिट साइड में उतारा फिर बैलेंस सीडी निकाला टू बैलेंस सीडी कैपिटल एडजस्टमेंट है द फर्स्ट पार्ट इज ओवर चार लाइन नीचे और खींच दो मिनिमम थ्री एंड दिस टोटलिंग लाइन एक चार बाय बैलेंस ब्रेक डाउन और मनोज विल ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल नाउ गो फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट ये दोनों को टोटल करो दोनों को टोटल करके कैपिटल आया थ्री लाख सिक्सटी दोनों का शेयर है एट बाई और

तीनों का कैपिटल से दोनों का कैपिटल को माइनस करो वो भी उतना आएगा दिस इज तीनों का कैपिटल से दोनों का कैपिटल तीनों का कैपिटल होता है लीना रोहित मनोज का कैपिटल ये है और लीना और रोहित का कैपिटल ये है द डिफरेंस विल बी सेम नाइन्टी टू टू फिफ्टी कैपिटल अकाउंट को टोटल करो इसको यहां लिखो और इसको बैलेंस कैरेट डाउन करो दो कैपिटल होने से आपका कैलकुलेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा क्लैरिटी एग्जामिनर साहब को आपको समझाना है आपको किस तरीके में आपने प्रेजेंट किया है और good, तभी नंबर मिलेगा देन बैलेंस शीट बनाओ बैलेंस शीट में आपके कैश आपके पास फोर्टी टू थाउजेंड था न्यू पार्टनर मनोज इज ब्रिंगिंग इन अस्सी हजार आज गुडविल तो ये अस्सी हजार यहाँ पे ऐड कर दिया और नाइन्टी टू कैपिटल ला रहा है ये तीनों को ऐड करके कैश में 240 फोर्टी टू टू डेटर्स 1,32,000 और आपके प्रोविजन था 3,000 देखो प्रोविजन दे रखा है कुर्सी में 2,000 और जो जनरल रिजर्व था पचास हजार का 10 परसेंट पांच हजार। 2000 और 5000 2000 था जनरल रिजर्व से 5000 ट्रांसफर हुआ तो टोटल हो गया 7000 माइनस करके फाइनल कॉलम में ये जनरल रिजर्व का जो रिडक्शन या प्रोविजन 5000 बढ़ गया ये रिवोल्यूशन में आएगा नहीं क्योंकि हमने जनरल रिजर्व से 50000 से 5000 हजार यहाँ ले लिया और 45000 इधर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यू शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली देन स्टॉक वन लाख थर्टी थाउजेंड सोलह हजार ओवर वैल्यूड था हमने माइनस करके लिख दिया देन प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी का भी फिगर हमने बढ़िया करके लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी का था ही नहीं तो हमने स्टॉक को लिखा देन और आपके ये भी लिखा स्टॉक एंड दिस इज क्लेम एन वर्कमेंस कंपेन्सेशन दोनों तो नाउ प्लांट एंड मशीनरी सेम वैल्यू उतारे तो टोटल हो गया सिक्स लाख लाइबिलिटी बढ़ गया हमने फंड नहीं रखा था तो जितना वर्कर को देंगे उतना लिखेंगे इंक्रीज इन लाइबिलिटी जनरल रिजर्व फोर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ बढ़ गया और पांच हजार इधर प्रोविजन में एड हो गया इसीलिए लाइबिलिटी में आया नहीं देन नेक्स्ट वन इज यस कैपिटल अकाउंट्स कैपिटल अकाउंट्स में आपके लीना रोहित एंड मनोज ये तीनों का जो ये जो नया कैपिटल है यही कैपिटल यहाँ लिखेंगे और तीनों को टोटल कर देंगे एंड इट विल बी सिक्स लाख नाइनटीन थाउजेंड टू फिफ्टी एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा अगर मैंने आपको अच्छी तरह समझाया एंड रियली really आपको समझ में आया तो मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए कीप ऑन स्टडी